नमस्कार। आप सभी का राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा आयोजित किस्से कहानी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर व्योमेश शुक्ला जी हैं। कवि, अनुवादक, रंग निर्देशक व्योमेश शुक्ला जी का जन्म बनारस में हुआ। व्योमेश जी ने कई कविता संग्रहों एवं पुस्तकों का लेखन किया है। उनकी कविता संग्रह फिर भी कुछ लोग और काजल लगाना भूलना बेहद चर्चित रही हैं। व्योमेश जी ने विश्व साहित्य में नॉम चॉम्स्की, हॉवर्ड जेन, रेमंड्स विलियम, एडवर्ड सेड और भारतीय व्यंग में महाश्वेता देवी और के सचिदानंद के लेखन का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। इन्हें 2008 में अंकुर मिश्र स्मृति पुरस्कार और 2009 में भारत भूषण अग्रवाल स्मृति सम्मान, आलोचनात्मक लेखन के लिए 2011 में रजा फाउंडेशन फेलोशिप और संस्कृति कर्म के लिए भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का जनकल्याण सम्मान प्राप्त हुआ है। हाल ही में नाटकों के निर्देशन के लिए इन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार दिया गया है। व्योमेश शुक्ला जी के निबंध देश के अग्रणीय समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, संगीत एवं थिएटर के जर्नल्स में प्रकाशित होते रहते हैं। मशहूर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक सर्वेक्षण में उन्हें देश के 10 सर्वश्रेष्ठ लेखकों में शामिल किया है। व्योमेश शुक्ल बनारस में रहकर रूपवाणी शीर्षक एक रंग मंडल का संचालन करते हैं। रूपवाणी के नाटकों का निर्देशन करते हैं। रूपवाणी के नाटक देश के प्राय सभी महत्वपूर्ण समारोह, उत्सवों और संस्थानों में खेले जाते हैं। मैं अब डॉक्टर व्योमेश शुक्ल जी से अनुरोध करूंगी कि वह आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। सर, रामलीला और बनारस की कुछ बातें हैं आपको सुनाने का मौका पाकर मैं बहुत खुश हूं। ये अवसर मुझे देने के लिए मैं NGMA के महानिदेशक श्री अद्वैत गणनायक और एडवाइजर सम्मान्य सुश्री सुजाता प्रसाद जी का शुक्रगुजार हूं। मैंने सोचा था कि आपको ये बताऊंगा कि बनारस की रामलीला कैसे होती है, बनारस की रामलीला की कहानी क्या है, लेकिन कहानी तो वो चीज है जो एक सिटिंग में पढ़ ली जाए। एक सिटिंग यानी 10 मिनट, 15 मिनट, हद से हद आधे घंटे में। लेकिन बनारस की रामलीला वैसी चीज नहीं है जिसे आधे घंटे में बताया जा सके, जिसकी कहानी घंटे आधे घंटे में पूरी हो जा सके। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो कहानी अनंत में जाकर पूरी होती है। अब जैसे देखिए ना, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ये जो लाल रंग की चोंच है, ये गिद्धराज जटायु की चोंच है। अब उनकी आंख भी आप देख सकते हैं। और ये जो पीले रंग का मुंह है, ये रावण के मामा मारीच हैं। दरअसल ये मुखौटे, पीछे आप महावीर, हनुमान, सुग्रीव, और अगर मैं जटायु को थोड़ा सा हिला दूं अपनी जगह से, तो दूसरे सेनापतियों और युद्धपतियों के मुखौटे देख सकते हैं। हमारे पास ऐसे शताधिक, 100 से ज्यादा मुखौटे हैं। लेकिन बहुत दुख की और बहुत अफसोस की बात है कि अब ऐसे मुखौटे बनारस में भी मिलना बंद हो गए हैं। ये देखिए, ये एक कौवे का मुखौटा है, मैं पहन के दिखाता हूं आपको। ये है एक कौवा जो रामायण की कहानी में आता है। अगर आपने गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस ध्यान से पढ़ी हो और पूरी पढ़ी हो,
हालांकि उसको पूरा पढ़ने की उम्र आपकी नहीं है, जो हमारे बहुत कम उम्र के साथी इस बातचीत में शामिल हैं उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ, तो उसमें ये कौआ आपको दिखाई देगा। ये मुझे नापसंद है, ये बड़ा बदमाश पक्षी है। अव्वल तो काँव काँव करता है, दूसरे रामायण में ये जैसे आता है उसमें ये कोई अच्छा आदमी नहीं बना है, एक बुरा दुष्ट चरित्र है ये। ये दरअसल इंद्र का, देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है। आप लोग जानते हैं कि भगवान राम को 14 बरस का वनवास दिया गया था। जब उनका वनवास शुरू हुआ, यानी अयोध्या के राजमहल से अपने पिता दशरथ और माओं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को छोड़कर वे जंगल के रास्ते निकले, तो उनके साथ उनकी जीवन संगिनी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। ये लोग सरयू पार करके घने वन में पहुंचे और वहां पर्ण निकेत यानि पर्ण की कुटिया, पत्तों का मकान बनाकर रहने लगे। ये इतने अच्छे लोग थे दोस्तों कि बावजूद तमाम अभाव के, तमाम तकलीफों के, एक दूसरे के प्यार की ताकत से उस घने जंगल में राजमहल की सारी सुविधाएं, नौकर चाकर, यश वैभव छोड़ छाड़ कर भी ये प्रसन्नता के साथ रह रहे थे, खास तौर पर राम, सीता और लक्ष्मण। तो ये जो कौआ है ये इंद्र का बेटा है, इसका नाम है जयंत और इसकी पत्नी का नाम है शची। शची और जयंत अमरपुर में यानी स्वर्ग में रहते थे, पिता के संरक्षण में, और एक दूसरे से बहुत स्नेह करते थे ये पति पत्नी शची और जयंत। जयंत से राम और सीता का दाम्पत्य प्रेम देखा न गया, तो ये कमबख्त कौवे का रूप धर के धरती पर आया और इसने सीता जी पर अटैक किया, सीता जी पर प्रहार किया। एक दोपहर जब वह वन में बैठी हुई थी, ये उड़ता हुआ आया, चोरी से उड़ता हुआ, और सीता चरण चोंच हति भागा, गोस्वामी जी ने लिखा है, इसने सीता जी के पैरों पर प्रहार किया। बाद में राम ने इसे सजा भी दी इस आपराधिक कृत्य की, इस दुष्टता की, और इसे एक आंख वाला बना दिया, अपने ब्रह्मशर से इसकी एक आंख को घायल कर दिया। ये बात राम जैसे उदात्त चरित्र के साथ कोई बहुत अच्छी नहीं लगती, लेकिन कभी कभी दुष्टों को सजा देना जरूरी होता है, तो ये सजा इसको मिली। अब मैं आपको बताऊंगा कि बनारस में ये लीला बहुत जोर शोर से खेली जाती है, इसका नाम है जयंत नेत्र भंग। तो ये लीला खेली जाती है साहब कैसे, एक व्यक्ति ये मुखौटा लगा करके जयंत नेत्रभंग की लीला जिस दिन तय होती है, उस दिन लीला परिसर में एक बड़े से मैदान में, आप लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं कि बनारस की रामलीला 20x30 के प्रोसीनियम स्टेज पर नहीं खेली जाती, 6 किलोमीटर के एक वैभवशाली शहर में खेली जाती है जिसका नाम है बनारस, और जो दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है, द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। 20x30 के प्रोसीनियम पर नहीं, जिस पर नाटक करके आधुनिक रंगकर्मी अपने को कृतार्थ समझता है, 6x6 किलोमीटर के 6 स्क्वायर किलोमीटर की एक चलते फिरते प्राणवान स्पंदनशील परिसर में, जहां पर अयोध्या एक जगह होती है, चित्रकूट दूसरी जगह,
नंदीग्राम तीसरी जगह, लंका चौथी जगह, और ये लीलाएं घुमंतु होती हैं, बंजारे की तरह एक से दूसरी जगह चलती रहती हैं। आप चाहें तो इसे मोबाइल थिएटर कह लें। भ्रम्यमान घुमंतु बंजारा रंगमंच। तो जिस जगह जयंत नेत्रभंग वाली लीला होती है, यानी रामलीला में जहां वन के होने का विधान है, उस मैदान में एक भला आदमी ये कौवे का मुखौटा लगा के और कौवे के पंख का मुखौटा लगा के भी, जो स्थाना भाव के कारण मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, जगह थोड़ी है स्क्रीन पर, कभी आमने सामने मिला तो जरूर दिखाऊंगा, आता है साहब, और सीता जी के पैरों में धीरे से अपनी चोंच का स्पर्श भर करा देता है, उसे बस सटा भर देता है सीता जी के पैरों से। और बनारस तो यकीन का शहर है ना, मान्यताओं का, लोग मान लेते हैं कि जयंत ने सीता जी के पैरों को जख्मी कर लिया। इस बात में भी कला की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री, एक रहस्य छिपा हुआ है। पैर पर बिल्कुल गिर के सीता जी के ये बदमाश कौआ बस छूता भर है, और इस छूने से बनारस की नेमी जनता ये मान लेती है कि इसने सीता जी के पैरों को छलनी कर दिया, घायल कर दिया, जबकि ये तो बस छू रहा है। अब हमारी जो रियलिटी की समझ है उसके मुताबिक तो ये ठीक नहीं है, लेकिन उसके मुताबिक ठीक क्या है कि अगर एक कहानी में ये लिखा हुआ है कि एक एक्स नाम के कैरेक्टर ने एक वाई नाम के कैरेक्टर को गोली मार दी, तो क्या हम थिएटर में ये दिखाएंगे कि वाकई की एक पिस्तौल लेके एक एक्स आया और उसने वाई को असली वाली गोली मार दी? इस तरह से तो हम हिंसा के साथ खड़े हो जाएंगे। तो इतना जान लीजिए आप लोग इस कहानी के बारे में सुनते हुए कि ये कहानी हमें ये भी बताती है, ये प्रसंग बनारस की रामलीला में खेले जाने वाला कौवे का प्रसंग, कि कला के भीतर यथार्थ वैसे का वैसा नहीं आता, और दुनिया की किसी भी कला में अगर सच्चाई बिना किसी फिल्टर के वैसे चली आ रही है, तो आप जान लीजिए कि वो कला नहीं है, उसमें लीला का तत्व, उसमें रहस्य का स्थान नहीं है, तो वो कला नहीं है, नहीं है, नहीं है। टाइटैनिक नाम की फिल्म आप सब लोगों ने जरूर देखी होगी, उसमें आधुनिक यूरोपीय सभ्यता का जहाज समंदर के भीतर अतल गहराइयों में डूब गया था। बेशक इस सच्चाई को जानना जरूरी था और वो फिल्म में हम देखते भी हैं, लेकिन क्या इस सच्चाई का बखान करने के सिलसिले में कोई सचमुच का जहाज लोगों से भरा हुआ पानी में डुबा दिया गया होगा और लोग मर गए होंगे? जी नहीं, कला किसी को मारती नहीं, किसी को घायल नहीं करती, वो सब लोगों से प्यार करती है और अपने सारे औजारों से, अपने मकसद से, अपनी मेहनत से ये सिखाती है कि प्यार करना सबसे जरूरी चीज है। ये हुई इन महोदय की कहानी। तो फिर ये जब आता है और सीता जी के पैर को छू के भागता है, तो मोहल्ले वाले इतने बदमाश होते हैं जहां पे इस रामलीला का मंचन हो रहा है, कि वो इसको छोटे छोटे कंकड़ों और ढेलों से, पत्थरों से मारते हैं और इसको भागना पड़ता है। तो पिछले कई बरसों से जयंत बनने वाला किरदार उस दिन हेलमेट पहन के आता है कि वो पत्थर पीठ पर और पैरों पर लग जाए तो ठीक है, अगर माथे पे लग जाएंगे तो माथा फूट जाएगा। तो वो हेलमेट पहन के आता है और भागता हुआ, सीधे तेजी से भागता हुआ, जब लोग इसके ऊपर कंकड़ पत्थर की बारिश कर रहे हैं, ये पुलिस थाने में घुस जाता है और इसको पुलिस बचा लेती है।
ये लीला ऐसे ही पिछले 600 बरस से बनारस में खेली जा रही है। अब ऐसा ही एक उड़ने वाला किरदार और है, आप जानते हैं, मानस में, उसका नाम है जटायु। ये है जटायु, ये उसकी रस्सी आपको चोरी से दिख जा रही है। हमारे कलाकार इसको प्रस्तुतियों में बांधते हैं। तो जटायु गिद्धों का राजा है। इसका बड़ा भाई संपाति भी बहुत बलवान और बहुत बुद्धिमान था, जो एक बार सूरज को निगल जाने के लिए एकदम उनके पास चला गया था। संपाति ये नहीं, इसका बड़ा भाई, दिखने में बिल्कुल ऐसा ही। तो जब सूरज के बिल्कुल पास पहुंच गया तो सूरज इतना गर्म था कि उसके पंख जल गए, और फिर संपाति जीवन में कभी उड़ नहीं पाया। संपाति बहुत पराक्रमी था, बहुत बुद्धिमान भी था, लेकिन उत्तेजना के और अहंकार के ऐन उस पल में वो फैसला नहीं कर पाया कि उसे सूरज के पास नहीं चले जाना चाहिए। बहरहाल, हम आपको जटायु की कहानी बता रहे थे। इन महाशय का मुंह खुल जाता है, आप देखिए, इस तरह से। तो ये जब रावण सीता का अपहरण करके चोरी से, एक बहुत कायराना हरकत करके, उन्हें लंका की ओर लेके जा रहा था, तो रास्ते में उसका सामना जटायु से हुआ था। जटायु ने रावण को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की और एक घनघोर संग्राम उसके साथ किया। जटायु बेशक हार गया, रावण ने अपनी तलवार के प्रहार से उसको इतना घायल कर दिया कि वो सीता जी को बचा नहीं पाया, रावण के चंगुल से छुड़ा नहीं पाया और अपनी जान भी नहीं बचा पाया। तब राम ने आकर इस बूढ़े योद्धा का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, ये बहुत भारतीय परंपरा में प्राणोत्सर्ग की, जान दे देने के जज्बे की, वीरता की और स्त्रियों के सम्मान की खातिर लड़ने वाला बहुत बड़ा अपराजित प्रतीक है जटायु। देखने में जितना सुंदर है, उसका किरदार भी वाकई उतना सुंदर है। लेकिन मैं सिर्फ चेहरों के बारे में आपको बताने के लिए यहां नहीं आया था। और भी बातें बनारस की रामलीला से जुड़ी हुई, बनारस की रामलीला की खास बातें मैं आपको बताना सुनाना चाहता हूं, लेकिन समय कम है ना, तो मैं आपको एक तो वो सुनाता हूं जो मेरे पास रिकॉर्डेड वर्जन में मौजूद है। राम के जन्म के समय बनारस में कैसे गाया जाता है राम के जन्म का प्रसंग। राम के जन्म का प्रसंग बहुत खुशियों वाला है, घर में एक संतान आई है, तो संतानोत्पत्ति के समय नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, विशेष रूप से हिंदी भाषी समाज में, बनारस और आसपास सोहर नाम की एक धुन गाई जाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की वे पंक्तियां अब मैं आपको सुनाने वाला हूं, सोहर में निबद्ध। कुछ पुराना जैसा लगेगा तो आप लोग सह जाइएगा, फिर मैं उससे जुड़ी हुई और उससे आगे की कुछ और बातें आपको बताऊंगा। सुनिए राम के जन्म के समय गाया जाने वाला ये गीत। संतानोत्पत्ति के समय मां के हृदय के उछाल को व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। तरह तरह के सोहर की अलग अलग बंदिशें प्रचलित हैं समाज में, तो मानस की चौपाइयों को, छंद को सोहर की धुन में गाने का रिवाज है हमारे। एक कविता का पाठ एक लोक धुन के साथ निमज्जित होकर हमारी स्मृतियों में
हमारी आदत बचा हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके सामने वही मूर्तियां, भय प्रकट कृपाला। ऐसे ही गाया जाता है वो प्रसंग, राम जन्म का महान प्रसंग, जब भारत का बहुत प्यारा बेटा हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की सबसे रोशन जगह इस संसार में आई थी सोहर की धुन में। जैसे बिल्कुल औसत निम्न मध्यवर्गीय परिवार में उम्मीद का जन्म हुआ हो, वैसे आप स्क्रीन पर देख रहे थे कि तबला बज रहा था, बेशक चौड़े मुंह वाला, लेकिन हमारे यहाँ रामलीलाओं में तबला नहीं, मृदंग बजता है। मानस गायन के साथ मृदंग बजता है। ये मानस गायन की एक झलक जो हमने अभी आपको दिखाई, इसमें हमारे लिए मृदंग बजवाना संभव नहीं था, इसलिए हमने तबले से काम चला लिया। चौड़े मुंह वाला तबला था तो उसकी आवाज मृदंग से मिलती जुलती थी।
और वो मृदंग आप कल्पना कीजिए कि चलते चलते बजता है। रामायणियों का दल यानी रामचरितमानस की पंक्तियां गाने वाले गायकों का समूह एक जगह से चलता हुआ दूसरी जगह जाता है, हाथ में मजीरा लिए हुए। अगर एक मजीरा मुझे मिल जाए तो मैं दिखा दूंगा। हाथ में मजीरा लिए हुए वो समूह मानस की याद की हुई कंठस्थ पंक्तियां लेकर के आगे बढ़ता है, यूं यूं बजाते हुए। मृदंग इतना भारी होता है कि उसे एक आदमी कंधे पे टांग के चलता हुआ बजा नहीं सकता, तो उसे एक आदमी के कंधे पर टांगा जाता है और उसके साथ चलता हुआ दूसरा आदमी बजाता है। मुझे ये बात बहुत अद्भुत लगती है बनारस की रामलीला के प्रसंग में। एक सज्जन हैं, बहुत बूढ़े अति वृद्ध, रामलीला के दौरान उनके कंधे पर मृदंग टंगा रहता है। वो कभी मृदंग खुद नहीं बजाते। मृदंग मजीरा ऐसा होता है, ऐसी ध्वनि आती है उसकी। तेज, बहुत तेज बजने वाला कोई प्रसंग होता है तो बजता है। इसे मानस की पंक्तियां गाई जा रही हैं ऐसे। और मृदंग एक कंधे पर रखा हुआ है, दूसरे कंधे वाला उसे बजा रहा है। तो आप सोचिए कि एक आदमी अपने अपनी नौजवानी के दिनों से, अपने बचपन के दिनों से, अपने बुढ़ापे तक हर साल लगातार एक महीने सिर्फ इसलिए रामलीला का हिस्सा बनता है कि उसके कंधे पर मृदंग टांगा जाएगा। ये है रामलीला की परंपरा। रामलीला महज परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ प्रदर्शन, सिर्फ अभिनय, सिर्फ वाहवाही, सिर्फ तालियों की आवाज, सिर्फ समीक्षाएं, सिर्फ पुरस्कार नहीं है, नहीं है, नहीं है बनारस की रामलीला। बनारस की रामलीला ऑब्जेक्ट्स पर, वस्तुओं पर बहुत कम निर्भर है दोस्तों। ये मुखौटे देख के या राम और लक्ष्मण जैसे चेहरे पहनते हैं, उनको कभी किसी दूसरी मुलाकात में मैं आपको दिखाऊंगा, चेहरे नहीं माफ कीजिएगा, मुकुट पहनते हैं। वो मुकुट बनारसी साड़ी पर जिस जरदोजी के क्राफ्ट में काम किया जाता है उससे बने हुए होते हैं। तो वो मुकुट और ये चेहरे, ये बहुत कम वस्तुएं हैं। आप अगर ब्रॉडवे थिएटर देखें या ब्रिटेन में होने वाला थिएटर देखें या आधुनिक भारतीय शहरी रंगमंच जो है, जो बहुत सारे संसाधन और तामझाम के साथ संभव होता है, मानो कोई बहुत बड़ा सच्चाई का बखान करने के लिए उतने ही सारे औजारों और उपकरणों की स्टेज पर जरूरत हो, वैसा नहीं है रामलीला का ढांचा। रामलीला में बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं। रामलीला में एक मृदंग है, 10 गाने वाले हैं, एक मजीरा, 2-3 मजीरा बजाने वाले हैं, कलाकार हैं जो वर्षों वर्षों से अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते आ रहे हैं, स्वरूपों को छोड़कर। स्वरूप राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और शत्रुघ्न बनने वाले हर साल नए होते हैं और प्रायः 14 बरस से कम के बटु होते हैं, यज्ञोपवीतधारी बटु। उन स्वरूपों को छोड़कर सुपर्णखा बनने वाला, जयंत नाम का कौआ बनने वाला, रावण बनने वाला, हनुमान बनने वाला वही व्यक्ति होता है। और अगर कोई आफत बड़ी नहीं आ गई तो 10, 20, 25, 30, 40 साल तक वो अपनी भूमिकाएं निभाता रहता है। हमारे थिएटर ग्रुप ने, हमारे रंग समूह ने ऐसी कोशिश की है कि रामचरितमानस गायन के क्राफ्ट को हूबहू स्टेज पर, प्रोसीनियम स्टेज पर, मॉडर्न थिएटर पर ले आया जा सके। तो युद्ध के दरमियान का एक संगीत हम आपको पहले सुनाएंगे कि वो कैसे गाया जाता है, और फिर उसका एक थिएट्रिकल रिप्रोडक्शन आपको दिखाएंगे, छोटा सा, उसकी रंगमंचीय पुनः प्रस्तुति।
जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि वो कितना खूबसूरत दृश्य होता है बनारस की रामलीला का। ऐसे हमारे यहाँ युद्ध होता है, युद्ध की कला ऐसे ही संभव होती है। युद्ध का बहुत बारीक सूक्ष्म और कलात्मक अमूर्तन। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? तो ये युद्ध का एक प्रसंग हमने आपको दिखाया। एक बात सबके मन में बार बार आती है कि बनारस रामलीलाओं का इतना बड़ा गढ़ कैसे बन गया? आज की तारीख में जब स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जब मनोरंजन के बहुत सारे माध्यम और बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, ऐसी चुनौतियों से भरे हुए माहौल में बनारस की रामलीला कैसे एग्जिस्ट कर रही है? और बनारस में एक दो नहीं, 100 से ज्यादा रामलीलाएं अभी लिविंग हैं। एक वो रामलीला है जो खुद गोस्वामी तुलसीदास ने शुरू की, एक वो रामलीला है जिसके बारे में 1904 में दिए गए अपने एक फैसले में अलाहाबाद हाईकोर्ट का ये मानना है कि वो रामचरितमानस के लिखे जाने के पहले से, 16वीं सदी में रामचरितमानस के लिखे जाने के पहले से बनारस में हो रही थी। और कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि वो रामलीला आधार बनी है तुलसीदास के रामचरितमानस लिखने का। उस रामलीला की प्रेरणा से भी तुलसीदास प्रेरित हुए, अवधि में लोक की, देश की भाषा में रामकथा कहने को। दोस्तों, आदि कवि वाल्मीकि संस्कृत में प्रायः 2000 से ज्यादा बरस पहले राम की कथा कह गए थे, लेकिन 16वीं सदी तक किसी भी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज में रामायण लिखी नहीं गई थी। बल्कि इस मामले में, इस प्रसंग में द्रविण भाषाएं हमसे आगे थी। तमिल, तेलुगु और बांग्ला तक में अवधि से पहले रामायण का संस्करण आ चुका था। ऐसा क्यों हुआ? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जब हुआ तो बहुत खूबसूरत, बहुत आह्लादकारी और बहुत ऊर्जा से भरे हुए माहौल में बनारस की इसी धरती पर संपन्न हुआ। तुलसीदास ने शैवों के इस केंद्र में, शिव भक्तों के, बनारस विश्वनाथ का शहर है, हम सब लोग जानते हैं,
यहाँ शिव के उपासक ज्यादा हैं, यहाँ भला राम की कहानी को कैसे मान्यता मिलती। तो गोस्वामी जी बड़े चालाक आदमी थे, कहने के लिए माफ किया जाए, उन्होंने पूरी रामायण शिव से कहलवा दी। आप अगर रामचरितमानस ध्यान से पढ़ें तो वो एक ऐसी कहानी है जिसे शिव पार्वती को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य भारद्वाज को सुना रहे हैं और काकभुशुंडी गरुण से बात कर रहे हैं। तीन सुनने वाले और तीन कहने वाले, शिव उनमें से एक बन गए। शिव पार्वती को राम की कथा सुनाते हैं। ये उस समय की जो कल्चरल हेजिमोनी थी उसमें सरवाइव करने के लिए भी एक तरह से जरूरी पैंतरा था तुलसीदास का। बनारस में एक ऐसी किंवदंती, एक ऐसी लोकोक्ति बहुत चलती है मेरे दोस्तों, कि बनारस के संस्कृतज्ञों ने, बनारस संस्कृत का बहुत बड़ा शहर है और यहाँ के संस्कृत के विद्वानों ने ये कहा कि भला भाखा में कोई महाकाव्य कैसे रचा जा सकता है, उस भाषा में जिसमें पसीने की गंध है, उस भाषा में जिसके कपड़ों और बालों पर रास्ते की धूल जमी हुई है। महाकाव्य तो संस्कृत में ही संभव है, लेकिन तुलसीदास एक थे अपने जैसे एक, उन्होंने अवधि में महाकाव्य लिखकर दिखाया और जांच के लिए उसे काशी विश्वनाथ के मंदिर में विश्वनाथ जी के पास रखा गया। वेद पुराण उपनिषद सभी आर्ष ग्रंथ और सबसे नीचे मानस की एक हस्तलिखित पोथी और मंदिर के कपाट, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। अगले दिन जब मंदिर के दरवाजे खुले तो रामचरितमानस वेदों पुराणों उपनिषदों के भी ऊपर रखा हुआ था और उस पर शिव जी ने खुद अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। ये कथा है, ये आख्यान है मानस के महत्व का। बनारस में रहते हुए ऐसी कहानियां हम लोगों ने सुनी हैं अपने बचपन में कि तुलसीदास का बनारस में रहना कोई आसान रिहाइश नहीं थी। उन्होंने बनारस के लोगों से, बनारस के आदिवास से, बनारस की विद्वत्ता से संघर्ष करके यहाँ अपनी जगह बनाई थी। उन्होंने एक अखाड़ा संकट मोचन बनाया पहलवानों के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि रामायण की और रामलीलाओं की रक्षा के लिए पहलवानों की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने पहलवानों का एक अखाड़ा बनाया, संकट मोचन का मंदिर बनाया। राम कथा के एक और नायक, सिर्फ राम रामायण के नायक नहीं है, हनुमान जी भी रामायण के नायक कहे जा सकते हैं। पीछे लाल रंग का आप उनका चेहरा देख रहे होंगे, ये हैं हमारे हनुमान जी, ये वाले। तो हनुमान जी उस कथा के एक और नायक हैं, उपनायक कह लीजिए आप। उनका मंदिर बनारस में जो बहुत प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में संकट मोचन का, वो गोस्वामी तुलसीदास का बनाया हुआ है। तो संस्कृति कर्म को किसी तरह के बौद्धिक और वैक्यूम में होने की कल्पना करना संभव नहीं। मतलब थिएटर जो है वो इस कदर परफॉर्मेंस प्रदर्शन दूसरी सारी शक्तियों से अपने अनुकूलन में और उनसे मिलने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने में निहित है कि तुलसीदास ने उन सारी चुनौतियों को स्वीकार किया था। अखाड़ा बनाकर, मंदिर बनाकर, बनारस में रामलीलाओं की स्थापना करके, मानस गायन की एक शैली निश्चित करके, चरित्र कैसे बनाए जाएंगे, कास्टिंग कैसे होगी ये तय करके, और मानस के कौन से प्रसंग, पूरी रामचरितमानस नहीं खेली जाती, पूरी रामचरितमानस, शुक्रिया, पूरी रामचरितमानस रामलीलाओं में नहीं खेली जाती, उसके खास खास प्रसंग वहां मंचित होते हैं, ये तय किया गोस्वामी तुलसीदास ने। और बाद में 19वीं सदी में 1868 के आसपास जब रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला शुरू हुई तो ये तय किया, बाकायदा रामनगर की रामलीला का स्क्रीन प्ले लिखकर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने। आप सब लोग भारतेंदु के नाम से शायद परिचित हों। भारतेंदु हिंदी के कवि थे और हिंदी भाषा आज जिस रूप में बोली जा रही है, पढ़ी जा रही है, सुनी और समझी जा रही है,
उसके एक तरह से निर्माता का श्रेय उन्हें दिया जाता है। वो उसके फाउंडर थे, उसके संस्थापक थे हिंदी भाषा के। भाषा किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं होती, उसे एक समय, व्यक्तियों का, समाजों का एक समुच्चय बनाता है, लेकिन भारतेंदु उनमें सबसे आगे थे। तो उन्हीं भारतेंदु ने 19वीं सदी में 1868 के आसपास बनारस की जो सबसे महत्वपूर्ण रामलीला है, महाराज बनारस की, रामनगर की रामलीला, उसका स्क्रीन प्ले लिखा, और तब से वो रामलीला उसी स्क्रीन प्ले पर खेली जा रही है। दुनिया के थिएटर ने बनारस के रामनगर की रामलीला से बहुत कुछ सीखा है। अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स जाएं, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन वाले डिवीजन ने रामनगर की रामलीला का बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, जिसको दूरदर्शन से 12 अक्सर प्रायः हर नवरात्र के और विजयादशमी के अवसर पे प्रसारित किया जाता है। वो रामलीला दुनिया भर के थिएटर को कुछ नया करने की प्रेरणा देने के काम आई है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सबसे पहले भारत को उससे सीखना होगा। भारत के आधुनिक रंगमंच को रामलीला से कुछ बेहतर सीख के आना होगा, और आज के काम में, आज के सोचने के तरीके में, आज के कला कर्म में लागू करना होगा। कैसे होगा ऐसा? रिचर्ड एफ शेखनर, जो दुनिया के बड़े रंगकर्मी हैं, उन्होंने रामनगर में देखा कि वहां जितनी भागीदारी स्वरूपों की और चरित्रों की है कहानी में, उतनी ही भागीदारी दर्शकों की भी है। वो दर्शक जो हर साल नियम से रामलीला देखते हैं, उनकी एक निश्चित पोशाक है। वो सफेद धुली हुई गंजी और सफेद मर्दानी धोती पहनकर समय से कई घंटे पहले वहां पहुंचकर, वहां के तालाबों सरोवरों में स्नान करके, बाकायदा श्रृंगार करके, कुछ भांग बूटी जमा के, रामचरित मानस की पोथियां लेकर, बाकायदा टेक्स्ट से गाई जा रही पंक्तियों को मिला मिला कर, कहीं दूर बैठकर हाथ में ताड़ का झलने वाला पंखा लेकर रामलीला देखते हैं। दुनिया में इतना दिग्गज दर्शक समाज कहीं भी नहीं है, जो बाकायदा मूल पाठ से, स्क्रिप्ट से मिला मिला करके परफॉर्मेंस को देख रहा हो। हमने कहीं नहीं देखा, यूरोप में नहीं, अमेरिका में नहीं, अपने अर्बन थिएटर में नहीं, लेकिन रामलीलाओं में ऐसा होता है, होता रहा है। रिचर्ड एफ शेखनर ने इस पार्टिसिपेशन को, इस सहभागिता को महसूस किया और इसको आधुनिक रंगमंच में लागू करने की कोशिश की। तो आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में एक ऐसा दृश्य बनाया कि स्टेज पर एक पार्टी चल रही है और लोग ड्रिंक्स ले रहे हैं, और वो पार्टी में ड्रिंक्स पीने वाला जो ड्रिंक्स सर्व कर रहा है, वो अचानक दर्शक दीर्घाओं में चला आता है, और दर्शक दीर्घाओं में दर्शकों को ड्रिंक्स ऑफर करने लगता है, तो दर्शक भी गिलास उठा के पीने लगते हैं शरबत। ये पार्टिसिपेशन उन्होंने संभव किया। लेकिन ये पार्टिसिपेशन जो है कि ड्रिंक्स मंच पर कलाकार पी रहा है और नीचे बैठा हुआ दर्शक पी रहा है, पार्टिसिपेशन का ये लेवल नहीं है रामलीलाओं में। रामलीलाओं में कोई और तत्व है, हमारे यकीन का, हमारी आस्था का। रामलीलाओं में कोई अभिनय नहीं करता, क्योंकि जो होते हैं वे अभिनय नहीं करते। रामलीलाओं में कोई बैकड्रॉप नहीं होता, जैसे मेरे पीछे नीले रंग का पर्दा है, रामलीला में कोई पर्दा नहीं होता, क्योंकि रामलीला के संयोजकों का मानना है कि हमारा पर्दा आकाश है, आसमान हमारा पर्दा है, हमें पर्दे की जरूरत नहीं है। ऐसे स्पॉन्टेनियस, ऐसे ऑर्गेनिक, ऐसे नेचुरल थिएटर से सीखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी कहानियां मेरे पास हैं, मुझे लगता है कि
समय भी पूरा हो गया है, डॉक्टर साहिबा कहेंगी तो मैं अपनी बात इसी बिंदु पर पूरा करूंगा। एक बार सबको शुक्रिया अदा करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे पास शब्द नहीं है कि इतना अच्छा लगा, बहुत ही उम्दा था, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बिकॉज चैट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे थे। मैं अब श्री अद्वैत गणनायक जी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक से अनुरोध करूंगी कि वो इस विषय में दो शब्द कहें। नमस्कार। प्रणाम सर। कैसे हैं? प्रणाम सर, बढ़िया हूँ। कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, आपके बिना सुना है थोड़ा सा। आपने बहुत इंटरवीन किया है, बहुत सुखद और कलात्मक हस्तक्षेप किए हैं बनारस में, मुझे याद है। हम मिलके बहुत काम करते थे बनारस में। हाँ सर। और ना मतलब वो टाइम था कि स्टूडेंट का साथ सीनियर आर्टिस्ट जूनियर आर्टिस्ट सब मिलके, और जो रामलीला एक्चुअली वहां का मवास, अभी बच्चे जो देख रहे थे रामलीला बहुत भव्य रूप में होता है। वहाँ एलिफेंट बनता है, क्या क्या घोड़ा बनता है, वो लोग सारे चलते भी हैं। तो इतना सुंदर लगता है कि आप लगता है कि वो दुनिया को आप चले गए। तो अभी भी आप वो बात सारी करते थे कि कैसे, देखिए हमारी कल्चर को बच्चे कैसे जीवित रखना है और उसके लिए कैसे सारे तैयार होते थे, सब सिस्टम बनाते थे, और इस तरीके चीज को आपका सामने सारी बताए और इसको प्रैक्टिकल करके भी बताए, और इतने मास्क आप देख रहे हैं बच्चे, आप बना सकते हैं उसको सर? आपको एक बड़ी वर्कशॉप बनारस के मास्क पे करवा देनी चाहिए। हाँ वो करेंगे करेंगे पक्का। और इसमें जो मास्क देख रहे हैं आप उसकी यूज भी कर सकते हैं, थिएटर होता है, देखिए कितना सुंदर लगता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बदमाश बंदर है सर, वानर सेना का लड़ाकू सेनापति, राम भक्त। राम भक्त तो एक स्टोरी को कैसे कैसे तैयार होता था, इसमें कैसे लिखते थे, उसको कैसे कॉस्ट्यूम डिजाइन करते थे, स्पेशल मास्क, बहुत बड़ा काम मास्क का ऊपर होता था कि किस तरह का हम उसको प्लान करें कि वो रूप दिखाई दे। तो इस सारी जो प्रोसेस आपको बताए, अभी आप आगे जैसे बता रहे हैं एक मास्क का ऊपर वर्कशॉप हो जाए तो आप उसको समझ सकते हैं। तो कैसे कैसे वो लोग बनाते हैं, कैसे उस किस तरह का मेटेरियल यूज करते हैं, कैसे मतलब फ्रेंडली होना चाहिए, आप उसकी यूज कर सकते हैं, तो ये सारी प्रोसेस और स्टोरी का सब जाना चाहिए। तो जो रामायण महाभारत का ऊपर जितना भी आप देख रहे होंगे तो सारी चीजें से आपको मिलेगा, उसके लिए उसको सुरक्षा देने के लिए पहलवान भी तैयार करते थे। आप सोचिए, अभी बता रहे थे ना आप लोग को। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपने एक्चुअली छोटे छोटे पुनी बच्चे हैं, थोड़ा सा उनको इसका अंदर लाने के लिए थोड़ा ये सारी चीज डिफिकल्ट शुरू शुरू में होता होगा, लेकिन जो मास्क देखे होंगे, सारी कुछ बातें हुआ, और फिर कैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, और सारी चीज हमारे सिस्टम में कैसे हजारों साल से चल रहे हैं, आज का नहीं है। तो आपको ये प्रोसेस आज हम नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन से चल रहे हैं, तो उसको कैसे वो लोग जीवित रखे, और हमारे दायित्व होता है कि उसको कैसे हम आगे बढ़ाए, कैसे उसका ऊपर काम करें, जैसे बनारस में कर रहे हैं तो हम लोग भी उसका साथ कैसे मिलके काम करेंगे। तो हमने तो बनारस में मिलके बहुत काम किए, लेकिन आपका साथ बच्चों का साथ मिलके कैसे काम करेंगे, सबसे साथ प्यार करेगी, कैसे बच्चों का साथ मिलके हम काम करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छा होगा, और आप लोग भी छोटे छोटे प्ले भी कर सकते, क्या सुंदर होगा। लेकिन वो थोड़ा पुराना दुनिया को जाके सोचना चाहिए, आपका रामायण कैसे होना चाहिए, आप कैसे सोच रहे हैं, आपका रंग क्या होना चाहिए, आपका हनुमान का रंग क्या होगा, आपका रावण का रंग कलर क्या होगा, आपका जटाओं का कलर कैसे होगा, आप भी खुद भी बना सकते हैं उसको।
हमारे जो ट्रेडिशन है उसमें सीखना चाहिए ये कला क्यों दिया है, इसका मीनिंग है, वो मीनिंग को भी आपको देखना चाहिए, उसी सब से आपको भी वो मीनिंग तरफ आना चाहिए। हर कलर का मीनिंग होता है, हर एक लाइन में यहाँ पर दे उसका मीनिंग होता है। हर चीज को ध्यान से जब देखेंगे एक एक मास्क आपको नजर आएगा और बहुत नजदीक आएंगे तो आपको लाइव भी लगेगा, लेकिन पूरा क्लियर नहीं है फिर भी क्लियर है। तो हर चीज को किस तरीका एक सिस्टम में डाल के मास्क का ऊपर जो हजारों साल से किए हैं आप अभी एक घंटे के अंदर आपको कैसे बताएं सारी चीज, फिर भी उन्होंने कोशिश किए हर चीज को बताने के लिए। देखिए कितना मास्क आप देख के पागल होते, आपको आपको इच्छा नहीं होता है मास्क उठा के ले आए। कितना सुंदर लगता है, मेरा तो इच्छा होता है एक मास्क ले आए तो फिर हम डांस करते हैं। देखो बारिश दिल्ली में हो रहे हैं तो इस मास्क को पहन के हम डांस करने का इच्छा होता है। देखो डांस कर रहे हैं दिवे दी पंखा चला भी। तो अभी कोरोना टाइम है तो इसमें आप जितना खुश रहे मास्क बना के घर में डांस करना चाहिए, नीचे अपना अपना प्ले तैयार करना चाहिए। आप खुद भी घर में छोटा सा प्ले तैयार कर सकते, अगर हमको हमारे जो सोहम में आप अपलोड करेंगे हमको पता होगा कि आपने घर में किस तरीका सारी माहौल क्रिएट किया और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, तो फिर हमको लगेगा कि नहीं आपने भी उसका अंदर जो अभी बता रहे थे उसका अंदर आपने आ गए और उसको थोड़ा सा लेके आपका जो कॉन्सेप्ट में उसमें डाल के उसको तैयार किया। इवन बच्चों का मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में, मुझे मैं खुद आशा नहीं कर पा रही थी कि बच्चे कैसे रिलेट करेंगे इस पूरे उसके साथ में स्टोरी टेलिंग के साथ में, लेकिन सबको बहुत अच्छी लगी, सबके कमेंट्स इतने इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सारी नई चीजें उनको सुनने के लिए मिली, जानने को मिली उनको। और जैसे डीजी सर ने कहा कि इसका मास्क का जो बनाने का मतलब मास्क देख के उनको स्टोरी में कैसे यूज करना है उसके बारे में, तो बहुत सारी चैट बॉक्स में उन्होंने लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच। और डी सर आप जैसे कह रहे हैं मे भी नेक्स्ट कुछ आने वाले टाइम में मास्क के ऊपर भी वर्कशॉप हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो शुक्ला सर दिल्ली भी बुलाए है ना, हाँ दिल्ली भी बुला सकते हैं, इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, बनारस में भी कर सकते हैं, तो एनजीएम में अगर दिल्ली आएंगे तो बहुत बढ़िया वर्कशॉप कर सकते हैं और छोटा सा प्ले भी कर सकते हैं। आप जो वीकेंड का प्लान करते हैं तो उसमें